बच्चों में भी किसी एमएड की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्तमान में कौन क्या है, सब बात छोटे से करेंगे। लगभग 180 क्वेश्चन याद करने होते हैं इसमें। मंत्रिमंडल कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है वो अलग याद करना होता है पूरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर अभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करियो, कमेंट करियो, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हो। उसके बाद छोटे से करते हैं। हमारा राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है, 14 नंबर का है। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूँ तो आप सभी से क्वेश्चन जानते होंगे, क्योंकि आप सभी ज्ञानी लोग हो तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई बताना चाहता हो बता सकता हूँ कि अनुच्छेद जैसे 52 है, अनुच्छेद 52 कहता है भारतीय राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र शक्ति का प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल कैसा होगा, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी राज्य विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। और बात करो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पांडुचेरी भाग लेती है। दिल्ली की 3 सीट होती है, पांडुचेरी की 1 होती है। लेकिन दिल्ली जो पांडुचेरी भाग लेती है 1792 के तहत लेती है। बात करें अनुच्छेद 55 की, अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति होगी, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति कैसी होगी, एकल संगमरमणीय मत पद्धति होगी। तो अनुच्छेद 56 का कहता है, अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 57 कहता है कि एक राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है हमारे यहाँ। अनुच्छेद 57 कहता है ये अमेरिका नहीं है कि हम राष्ट्रपति अमेरिका में 2 बार बनता है, हमारे यहाँ कितनी बार बन सकता है, बात समझ में आ गई होगी। और हमारे यहाँ कार्यकाल 5 साल का होता है, यूएसए में आपके 4 साल का होता है। अनुच्छेद 58 कहता है कि योग्यता क्या चाहिए बनने के लिए, तो योग्यता 35 वर्ष हो, पागल दिवालिया ना हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ पद भरना हो। और राष्ट्रपति राज्यपाल राष्ट्रपति लाभ पद भरने आते, अगर सांसद विधायक है तो त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकारी नौकरी लागे पद भरती है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। और राष्ट्रपति बनने के लिए 50% अनुमोदन चाहिए है, जमानत राशि 15,000 चाहिए। अगर 1/6 वोट नहीं मिली जमानत राशि जब्त हो जाती है। वर्तमान 5 लाख रुपये सैलरी है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। जो 60 क्या है, 60 में शपथ है, शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और 61 की बात करूँ तो महाभियोग प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाया जाता है, हटाया जाता है। कोई भी लगा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा। जो लगाओगी 1/4 साधारण बहुमत से पारित करके दूसरी में भेज देगी, जैसे राज्यसभा भेज देगी। राज्यसभा अगर 2/3 से पारित करके लोकसभा भेज दिया, लोकसभा ने फिर 2/3 से पारित कर दिया, तो महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया का जो उल्लेख है, वैसे उल्लेख 56 में है। आपकी बात समझ में आगे होगी। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद आपकी कितना हो गई, 61 हो गया। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद किसकी 71 की, तो सर्वोच्च न्यायालय इसके जो चुनाव होता है उसके बाद विटारा करता है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान भी 4-5 प्रकार का होता है, ठीक है। अब बात करें किसके अनुच्छेद 74 की, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिमंडल होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्ति करता है। इस बात ध्यान रखें, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री जो होता है, जो भी कार्य करेगा उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। क्लियर इस बात को लेकर। अनुच्छेद 108 की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक होता है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। धन विधेयक का पूर्ण अधिकार लोकसभा का होता है, राज्यसभा 14 दिन थाम सकते हैं। अनुच्छेद 111 पॉकेट होते हैं, आपके वीटो पावर होती है। वीटो पावर भी 3 प्रकार की होती है, मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट की पॉकेट वीटो में क्या है। पॉकेट वीटो में क्या है कि अगर आप कोई विधेयक पास नहीं करते 5 साल तक अपनी जेब में रख सकते हो, जैसे डागर संशोधन में ज्ञानी जल सिंह ने करा था। अगर बात करूँ 123 का, अनुच्छेद 23 कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि जब अचानक कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 143 का कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सलाह ले सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 148 का कहता है क्या की नियुक्ति करता है, अटॉर्नी जनरल आपको मैंने बता दी 76 में है, तो आप कह सकते हैं जो क्या की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के 1 के तहत करता है। अगर बात करूँ राष्ट्रपति की, जो राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद ये जो इमरजेंसी वगैरह लगाता है वो राष्ट्रपति लगाता है। अनुच्छेद 352 356 360 जैसे 352 आपातकाल, आपातकाल तो 3 बार घोषणा हो चुकी है। राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन 356 में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन जो लगा है आपके नागालैंड में लगा है, फिर यूपी में लगा है आपके 10 बार, नागालैंड में सिर्फ 11 बार है। इतना आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगा है। अगर मैं आपको बात करूँ उसके और अनुच्छेद की, ऐसे बात करूँ अगर मैं राष्ट्रपति है, जो पहला राष्ट्रपति है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है, 52 से 62 रहा है इसका, तो बिहार से नियुक्त हुआ था और भारत का पहला कृषि व खाद्य मंत्री भी है आपका, ठीक है। और बताऊँ आपको तो जैसे आपको बता सकता हूँ मैं,
अब जो दूसरा राष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, दो बार उपराष्ट्रपति रहा, फिर राष्ट्रपति बन गया, और शिक्षक दिवस इसी के समय मनाया जाता है 5 तारीख को। इंडियन फिलोसफी की पुस्तक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि, और भारत रत्न सबसे पहले से मिला था किले इस बात को लेकर, और मैं बताऊँ इसके बाद आया था आपके जाकिर हुसैन आया था। जाकिर हुसैन पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था, सबसे कम कार्यकाल रहा, कार्यकाल में इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद इसकी जगह जो आप आगे बैठा था वो बीबी गिरी बैठा रहा था उपसहायक के रूप में। बीबी गिरी ने लेकिन चुनाव आने से पहले इस्तीफा दे देता और फिर चुनाव लड़ना जीत गया बीबी गिरी। बीबी गिरी की जो चुनावी मतगणना है दोबारा करनी पड़ी थी, और मैं आपको बता दूं कि ये निर्दलीय चुना गया था, निर्दलीय चुना। फिर आया था आपके फखरुद्दीन, फखरुद्दीन पे भी फखरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी बीच में ही। फखरुद्दीन की जगह आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह बैठा था सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, एकमात्र न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ था। फिर आपको अगर मैं बात करूँ नीलम संजीव रेड्डी, सबसे कम उम्र में मरने वाला था और लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य भी रहा है नीलम संजीव रेड्डी, और मैं आपको बता दूं कि निर्विरोध चुना गया था, यानी कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ था। पाथुर ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह जो था इसने पॉकेट वीटो का प्रयोग करा था डाकर संशोधन में, और आपको बता दूं मैं कि इसके वजह से आपके वेंकटरमन आया था सर्वाधिक एज का था, नारायण आया था एससी था, ठीक है नहीं। तो जो शंकर दयाल शर्मा था उसने 5 प्रधानमंत्री काल देखा है, इंद्र गुलजार हो गया, और मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके ए पी जे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, और ए भाई था, ये वैज्ञानिक राष्ट्रपति था, ऐ राजनीतिक राष्ट्रपति था ये, तो काफ़ी प्रतिभा पाटिल पहली जो आपकी राष्ट्रपति है बनने वाली महिला है। उसके बाद आपके प्रणब मुखर्जी है, प्रणब मुखर्जी के बाद आपके 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। किले इस बात को लेकर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर सकते हो, वरना डिसलाइक कर सकते हो। उपराष्ट्रपति कौन है, व्याख्या नायडू है, 13वां है, अनुच्छेद 63 में दिया जाता है उपराष्ट्रपति, ठीक है नी। 20 प्रस्ताव 20 अनुमोदक अच्छी है, और राष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का बड़ा कोई अध्यक्ष नहीं होता है। तो बात करें प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या हुआ है 15 नंबर का। अगर प्रधानमंत्री की बात करूँ तो जवाहरलाल नेहरू सबसे सर्वाधिक कार्यकाल रहा है 17 साल का, सर्वाधिक झंडा फहराने वाला लाल किले में जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, आपको ये पता नहीं हुआ क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन भी आया है, ठीक है नहीं। सर्वाधिक जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था इंदिरा गांधी काल में लाया गया था, इंदिरा गांधी दूसरे कार्यकाल में मर गई थी 84 में, बीएल सिंह था खुशवंत सिंह का उसने मार दी थी, इसके सिक्योरिटी गार्ड थे, ठीक है नहीं। और मैं आपको बता दूँ जो सर्वाधिक कम कार्यकाल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है, और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा विश्वास प्रस्ताव सबसे पहले हटाया गया था, राजीव गांधी की मृत्यु हैदराबाद में होगी थी। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप याद कर सकते हो, कोई नहीं। राज्यसभा का उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा का महासचिव कौन है, देश दीपक वर्मा है। राज्यसभा का विपक्ष का नेता गुलाम नबी आज़ाद है। राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता हवरचंद गहलोत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है। लोकसभा उपाध्यक्ष आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, मैंने छोड़ रखा है, देखते कौन बच्चा वीडियो देख रहा है, कौन ये बात बताता है। लोकसभा का महासचिव कौन है, इसमें लता श्रीवास्तव है। लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी है। लोकसभा में सत्ता दल का नेता नरेंद्र, देखो लोकसभा सत्ता दल का नेता ही हमेशा नरेंद्र मोदी है, और प्रधानमंत्री सत्ता दल का नेता होता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर अरविंद बोबड़े 47वें, सबले रंजन गोगोई था, सबले दीपक मिश्रा था। महान्यायवादी अटोर्नी जनरल कौन था, के वेणुगोपाल है, फिलहाल 15वां है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति वैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और बताऊँ आपको सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, अखिल भारतीय आयोग की नियुक्ति करता है, और संघ लोक सेवा आयोग का संबंध 115 है, भारतीय आयोग का संबंध 312 से है, और वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग का संबंध 280 से अनुच्छेद से। तो मुख्य सूचना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, विमल जुल्का है। SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार है। RBI का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, क्लियर है। और गवर्नर 10 के नोट पर हस्ताक्षर करता है। बात करें वायुसेना, RKS भदौरिया है। नौसेना का एडमिरल करमवीर सिंह है। थल सेना का मनोज मुकुल नरवणे है। CBI केंद्रीय जाँच ब्यूरो बहुत फेमस रहा है, ऋषि कुमार शुक्ला है। IB इंटेलिजेंट ब्यूरो अरविंद कुमार है। रो रिसर्च एंड एनालिसिस भी सामंत गोयल है। BSF का राकेश अस्थाना है। SSB का कुमार राजेश चंद्र है। ITBP आप समझ गए होंगे, ITBP को, ठीक है ना, सुरजीत सिंह देसवाल है। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का है, राजीव राय भटनागर है। CISF का मतलब होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, राजेश रंजन है। NSG
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अनूप कुमार सिंह है। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर का है राजीव चोपड़ा। आरपीएफ का है अरुण कुमार। नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग योजना आयोग की जगह बनाया गया था। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को हुई थी। उसका जो पहला अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उपाध्यक्ष था नंदलाल गुलजारी था। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एचएल दत्तू है, यानी कि जो पूर्व न्यायाधीश होते हैं वही बनाए जाते हैं। मानव अधिकार जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। साथ ही वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है वो अशोक कुमार माथुर है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव है। तो बच्चों आज के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, डिसलाइक करूँगा, नहीं तो लाइक कर सकते हो आप, मर्जी आपकी।